नदौन विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार विजय अग्निहोत्री ने प्रचार अभियान के दौरान रैल बड़ा पुतलियाड़ सोहरी लाहड़ जोलसप्पट नोंगी कांगू में दर्जनों नुक्कड़ सभाओं में शिरकत की। इस अवसर पर विजय अग्निहोत्री ने इस बार भी जनता का समर्थन मिलने के लिए अपील की। विजय अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी पर लोगों ने हमेशा विश्वास जताया है और इस बार नदौन में ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। विजय अग्निहोत्री ने कहा कि पीएम मोदी सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, लेकिन पिछली सरकारों पर नजर दौड़ाएं तो यूपीए सरकार में भी अरबों के घोटाले हुए हैं। वहीं हिमाचल की बात करें तो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और सीबीआई की जांच चली हुई है। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश मोदी के साथ खड़ा है और हिमाचल में भी बीजेपी बहुमत सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। करना है कि उन्होंने सुधर के रहना है या इस दुनिया में रहना है कि नहीं रहना है, वो इन बोलते हैं कि आपको जेल में भेजेंगे और बोलते हैं वो ये निश्चय निर्णय करें कि उन्होंने इस दुनिया में रहना है कि नहीं रहना है। आज उन्होंने जब सत्ता संभाली एक दिन के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के थाने ठीक कर दिए, थाने साफ करवा दिए। आज दो दिन के अंदर अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के बुच्चर थाने बंद करवा दिए। तीन दिन के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश में जो मन चले गर्ल स्कूल और गर्ल कॉलेज के सामने खड़े होके लड़कियां छेड़ते थे एंटी रोमी स्कैड के कारण से वहां उनकी उठकर बैठकर बुराई और आज वहां महिलाएं बच्चियां हमारी ठीक सुरक्षित रूप से स्कूल जाने लगी हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, गुड़िया कांड आप देखो, स्कूल से वापस जा रही बच्ची को रास्ते में अगवा कर लिया जाता है, उसकी बाद में लाश मिलती है, उसके साथ दुराचार होता है और जब उन अपराधियों को पकड़ा जाता है तो उनको छुड़ा लिया जाता है और उनकी जगह किसी नेपाली को किसी गढ़वाली को कोई मजबूर जो बगीचे में सेब तोड़ने आ रहे होते हैं उनको अंदर कर दिया जाता है और जो अंदर जाके जब जज के सामने मुंह खोलने की बात वो करते हैं कि हम अपनी सच्चाई वहां बताएंगे तो उसको पीट पीट कर सूर्य नाम के व्यक्ति को अंदर ही मार दिया जाता है। और वीरभद्र सिंह जी स्टेटमेंट देते हैं कि ये इतने बड़े स्टेट में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं तो हम पूछते हैं क्या उनकी अपनी बेटी भी होती है, उनकी जगह ऐसा कह पाते कि लोगों की ग्रीम की बेटी बेटी नहीं होती। आज हुशियार सिंह गार्ड, उसके बारे में भी आपने सुना होगा, उसकी लाश कसोग के जंगलों में उल्टी पेड़ के साथ लटकती हुई मिली, यानी पांव में रस्सा बंधा था फिर लटकी। पुलिस ने बरामद की, वहां इन्वेस्टिगेशन की और केस बनाया आत्महत्या का, किसने पहले जहर खाया फिर अपनी नसें काट ली फिर पैर में रस्सा बांधा और उल्टा लग गया। ऐसी कोई आत्महत्या होती है, तीन तीन अटेम्प्ट करता है कोई, इतना ऐसा कभी किसी ने देखा था? लेकिन नहीं, अपराधियों को बचाने के लिए, क्योंकि जो जंगल काट हुए हैं वहां जो जंगल का माफिया है जो वहां से जंगल में लकड़ी चोरी करते थे जिनके विरुद्ध वो कार्रवाई कर रहा था, उनको बचाने के लिए सरकार ने